आज के लिए हमारा टॉपिक रहेगा प्रमेय संख्याओं के बीच में प्रमेय संख्या ज्ञात करना। कल की कक्षा में आपको बताया गया था, मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि दो प्रमेय संख्याओं के बीच में या पूर्णांकों के बीच में बहुत सारी अनगिनत प्रमेय संख्याएं होती हैं, हम कितनी भी प्रमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न है और यही टॉपिक है कि कैसे उनको निकालना है। मान लिया कि मुझे दिया 1/2 और 2, 3/2 के बीच में 10 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करें। अब यदि 2/2 है तो इनके बीच में एक ही संख्या मेरे पास मुझे नजर आ रही है, वो है 2/2। यदि हर बराबर हैं तो ऊपर वाली संख्याओं के बीच में संख्या जो होगी वही आएगी, नीचे तो हमारे पास हर वही रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन हमें 10 निकालनी है तो वो 10 किस प्रकार निकालेंगे? अब इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि हर बराबर हो तो हम किसी भी संख्या को अंश या हर से गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। मान लो मुझे 10 ही निकालनी है तो मैं 10 को ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, इस संख्या के साथ भी और इस संख्या के साथ भी, दोनों के साथ इक्वल करना है। अब यहां से मैं गुणा करूंगा 10 एकम 10/10 × 20 और यहां से मैं गुणा करूंगा 3 30/10 × 20। अब हर देखो यहां पे ही बराबर है, हर यहां भी बराबर है, हर बराबर रहना ही चाहिए हमारा। तो हम ऊपर और नीचे वाली संख्या के बीच में देख लो कितनी संख्या आ गई, कितनी संख्या आ गई, 10 से आगे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, बहुत सारी संख्याएं हैं। लेकिन सीधा ये लिखना भाई 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है और भी सो ऑन। जब तक हम हर नहीं लिखेंगे तब तक ये संख्याएं इनके बीच की नहीं माननी जाएंगी, माननी जाएंगी क्या, इनके बीच में होंगी ही नहीं। तो इसलिए हर के साथ इसको लिखना है 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, 15/20, 16/20, 17/20, 18/20, 19/20, 20/20, 21/20, कितनी संख्याएं इनके बीच में ले सकते हैं हम? इनके दोनों के बीच में 19 संख्याएं हमारे पास हैं, 19 में से कोई सी भी 10 आप लिख दें तो आ जाएगी। और देखें 1/5 और 2/5 के बीच में, मैंने फिर वही कहा था किसे गुणा करें, 10 से कर दे, देख लेते हैं 10 से गुणा करके 10 या 50, 10 × 20 = 50। अब 50 हर देखो दोनों बराबर है क्योंकि 5 और 5 हर बराबर था तो एक संख्या से गुणा करेंगे फिर बराबर ही आएगा। 10 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं हम पहले उनको गिनेंगे, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19, ये इतनी संख्याएं हैं, कितनी 9 आई हैं। लेकिन हमने निकाली थी कितनी 10, तो ये तो 9 ही रहेगी, गड़बड़ हो गई। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी संख्या को फिर इससे गुणा कर दो, मैं 2 से कर रहा हूं, मान लो चारों संख्याओं को करना है, 10 × 20, 50 × 100, 20 × 40 और 50 × 100। अब देखें हर 100 बराबर है, 20 और 40 के बीच में कितनी संख्या है हमारे पास, 19 है। हम शुरू में भी अंदाजा लगा के कर सकते थे कि 10 से नहीं करनी है मुझे, 11 से ही करना है, 12 से ही करना है, 20 से करना है, 100 से करना है, किसी भी संख्या से शुरू में गुणा कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, जब लगातार संख्याएं आ जाती हैं और 10 निकालनी होती है तो 10 से ही गुणा कर देते हैं, फिर उनके बीच की 9 संख्याएं लिखते हैं और एक संख्या बच जाती है, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो इसको करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि कितनी संख्याएं हैं। अब इससे गुणा करने के बाद हम लिख सकते हैं 20 के बाद 40 की तरफ क्या आ गया, 21/100, फिर 22/100, फिर 23/100। मैंने कहा था जो नीचे वाला हर है वो लिखना जरूरी है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 21, 22, 23, 24 ऐसे, ये गलत होगा। चलो और देख लेते हैं, -1/4 और 1/4 गुणा करें किससे, 10 से करें गुना, -10 एकम 10 = 40 और 10 एकम 10/40। अब ये देखें -10 और +10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, -10 हमारे पास इधर है, +10 इधर है। यदि हम 10 से -10 की तरफ आएंगे तो 10 से इधर हमारे पास क्या आएगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर इधर -1, -2, -3,
सॉरी नेगेटिव एक, नेगेटिव दो, नेगेटिव तीन, नेगेटिव चार, नेगेटिव पांच, नेगेटिव छह, नेगेटिव सात, नेगेटिव आठ, नेगेटिव नौ, फिर नेगेटिव दस आएगा। और जब नेगेटिव दस से उधर चलेंगे तो हमारे पास पहले क्या आएगा, नेगेटिव नौ बटे चालीस, नेगेटिव आठ बटे चालीस, नेगेटिव सात बटे चालीस, नेगेटिव छह बटे चालीस, या इधर से इधर बटे तो नौ बटे चालीस, आठ बटे चालीस, कोई भी हम दस संख्याएं के बीच में लिख सकते हैं। अब जैसे एक दो तीन चार पांच छह, मेरे से छह लिखी गई है क्योंकि मैंने जगह इतनी छोड़ी थी, तो आप जगह थोड़ी ज्यादा रखें या फिर इधर ही लिखने की बजाय आप नीचे से लिखना शुरू कर दें। यहां से नेगेटिव दस बटे चालीस, नेगेटिव नौ बटे चालीस, नेगेटिव आठ बटे चालीस, नेगेटिव सात बटे चालीस, हम दस लिखने के बाद में लिख सकते हैं दस बटे चालीस। ठीक है, ऐसे ही सवाल चलते 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 रहेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। अब और जो हमारे पास प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं वो और हमें देखने हैं। एक और माइनस एक के बीच में, एक और नेगेटिव एक के बीच में प्रमेय संख्या की बात करें। अब इनका हर भी हमें देखना पड़ेगा, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों का हर कितना होता है, हमेशा एक होता है। और फिर दस से गुणा ले लें, मैं दस से इसलिए ले रहा हूं बार बार गुणा करना क्योंकि दस से गुणा करना बिल्कुल आसान है, बच्चे आसानी से कर सकते हैं। यह क्या दस बटे दस, यह क्या नेगेटिव दस बटे दस। अब दस और नेगेटिव दस के बीच में तो अभी देखा था हमने कितनी सारी संख्याएं हैं, उन्नीस संख्याएं हैं। उन्नीस कौन कौन सी, नौ बटे दस, आठ बटे दस, सात बटे दस, फिर जीरो, जीरो के बाद नेगेटिव एक बटे दस, नेगेटिव दो बटे दस, नेगेटिव तीन बटे दस, तो कितनी भी संख्याएं हम लिख सकते हैं। एक और जो अलग तरह से क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो क्या आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बटे तीन, तीन बटे चार के बीच में प्रमेय संख्या की बात करो। अब पिछले प्रश्न हमने जितने भी लिए हैं वो सारे के सारे प्रश्न क्या थे, जिनमें हर समान था, लेकिन इनके अंदर हर समान नहीं है। हर समान होना बहुत जरूरी है दो प्रमेय संख्याओं के बीच में तुलना करने के लिए या उनके बीच में संख्याएं ज्ञात करने के लिए। तो हम पहले हर बराबर करेंगे। हर बराबर कैसे होगा, हम दोनों के हर देख लेते हैं, इसका हर हमारे पास तीन है और इसका हर हमारे पास चार है। अब उसका हर चार है तो ऊपर नीचे उसके हर से इधर गुणा करेंगे और इसके हर से उधर गुणा करेंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, चार दुनी आठ बटे चार थी बारह, ये तीन थी नौ बटे चार थी बारह। अब हमारे पास देखो बारह और बारह हर बराबर हो गए, ऊपर वाली संख्या आठ और नौ के बीच में एक भी संख्या नहीं है, एक भी संख्या नहीं है। तो यदि हम दस से गुणा करेंगे तो ये मान के चलें कि हमारे पास बीच में सिर्फ नौ संख्याएं ही रहेंगी। तो हम पहले ही जागरूक होके इसको और ज्यादा बड़ी से गुणा कर देते हैं, बीस से कर देते हैं, बीस से कर दो, बीस से करेंगे तो आठ दूनी सोलह, एक सौ साठ बटे दो सौ चालीस आ गया, और यहां से गुणा करेंगे तो 180 बटे 240 आ गया। अब 160 और 180 के बीच में फिर वही 19 संख्याएं हम आसानी से ले सकते हैं, क्या आ गया 161 बटे 240, 162 बटे 240। अब हमें तो कहां तक जाना है, 180 तक जाना है, 180 तक हम 10 संख्याएं आसानी से लिख सकते हैं। एक और गड़बड़ हमारे पास होगी, एक और गड़बड़ हमारे पास हो सकती है इन क्वेश्चनों में, जैसे दो बटे हम पांच ले लेते हैं और माइनस एक बटे तीन ले लेते हैं। पहले हम हर बराबर करेंगे, वही बात है, देखेंगे इसका पांच है और उसका तीन है, पहले तो तीन को इससे गुणा करेंगे ऊपर नीचे, और इसका हर पांच था तो पांच को उसको गुणा करेंगे ऊपर नीचे, करें तीन दूनी छह और तीन पंजे पंद्रह, यह आ गया पांच एकम पांच और तीन पंजे पंद्रह। हर बराबर होने के बाद छह और माइनस पांच के बीच में हम अक्सर यही देखते हैं कि एक भी संख्या नहीं है, और यदि है भी तो हम शुरू कर देते हैं ऐसे लिखना, सात बटे पंद्रह है, आठ बटे पंद्रह है, नौ बटे पंद्रह है, माइनस पांच आएगा। अब आप देखें यदि मेरे पास प्लस छह इधर है, सात आठ नौ दस ग्यारह उधर है और माइनस का पांच इधर है, तो मैं माइनस पांच तक पहुंचूंगा कैसे, मैं तो उस तरफ जा रहा हूं, दाई तरफ जा रहा हूं, बड़ी संख्याओं की तरफ जा रहा हूं, तो मतलब ये इनके बीच में संख्या नहीं है। यदि इधर छह है, इधर माइनस पांच है, तो इनके बीच में ही लेनी है, नेगेटिव पांच के बीच में, और उधर यदि हम जा रहे हैं तो मतलब उनके बीच में संख्याएं नहीं ले रहे हैं, उससे बड़ी संख्या हम ले रहे हैं। तो हमेशा छोटे से शुरू करना है,
छह और नेगेटिव पांच में से कौन सा छोटा है? नेगेटिव पांच छोटा है। नेगेटिव वाली संख्याएं हमेशा पॉजिटिव वाली संख्याओं से छोटी होती हैं, पॉजिटिव वाली हर एक संख्या बड़ी होती है, ये ध्यान में रखते हुए अब हम छह से, ये छह से उल्टा चलेंगे माइनस पांच की तरफ, या माइनस पांच से बड़े की तरफ चलेंगे छह की तरफ। यहां पे यदि हम देख लेते हैं माइनस पांच के बाद माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, सॉरी यदि हम माइनस पांच के बाद देखते हैं तो नेगेटिव चार, नेगेटिव तीन, नेगेटिव दो, नेगेटिव एक, जीरो, शून्य, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, पूरी दस संख्या आ रही है, तो हम लिख सकते हैं आसानी से। या इधर से हम चले पांच बटे पंद्रह, चार बटे पंद्रह, तीन बटे पंद्रह, दो बटे पंद्रह, एक बटे पंद्रह, शून्य बटे पंद्रह, नेगेटिव एक बटे पंद्रह, नेगेटिव दो बटे पंद्रह, नेगेटिव तीन बटे पंद्रह और नेगेटिव चार बटे पंद्रह। तो ये हमारे पास संख्याएं इस प्रकार से आ जाएंगी। तो बच्चों एक तो ये संख्याएं आपको करनी है कि प्रमेय संख्याओं के बीच में प्रमेय संख्या याद करना। एक और चीज, क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है माइनस दो से बड़े पूर्णांक लिखिए या शून्य से छोटे पूर्णांक लिखिए। अब माइनस दो से बड़ा क्या होगा? माइनस तीन। देखो संख्या रेखा हमारे पास ये है, दाई साइड, ये बाई साइड वाला अंक हमेशा दाई साइड वाले अंक से छोटा होता है, बाई साइड वाला अंक दाई साइड वाले अंक से छोटा होता है। ये संख्या रेखा यदि मैं लेता हूं यहां पे जीरो, यहां एक दो तीन चार पांच, यहां पे नेगेटिव एक, नेगेटिव दो, नेगेटिव तीन, नेगेटिव चार, नेगेटिव पांच। अब नेगेटिव दो मेरे पास ये है, नेगेटिव दो मेरे पास ये है, और इधर दाई साइड वाले सारे बड़े हैं, तो ये लेने हैं हमने, इधर नहीं जाना, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव एक, जीरो, एक दो तीन चार, जितने भी लिखने हैं, जितने उन्हें पूछे हो उतने हम पूछ सकते हैं। अब जीरो से छोटे पांच लिखने हैं, जीरो यहां पे है और छोटे इस साइड आएंगे सारे, इस साइड आएंगे तो कौन कौन से हैं? नेगेटिव एक, नेगेटिव दो, नेगेटिव तीन, नेगेटिव चार, नेगेटिव पांच। तो इस तरफ भी हमें ध्यान रखना है कि कौन से इससे छोटे हैं, कौन से बड़े हैं। तो आपकी जो ये प्रश्नावली है ये कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको पूरा कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।